राधे राधे स्टूडेंट्स, आई एम दिव्या पांडे फ्रॉम कैटलिस्ट कोचिंग सेंटर, न्यू बस स्टैंड, पीरो, भोजपुर। पिछली वीडियो में मैं आपको क्लास 10 के मैथ का एक्सरसाइज 3.5 का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करवाई थी, जो कि आपका प्रतिस्थापन विधि और ब्रजगुणन विधि से रिलेटेड क्वेश्चन था, और उसका कुछ टाइप्स भी लिख दिए जिसे आप खुद से सॉल्व किए होंगे, आंसर दिया ही था। आज के वीडियो में मैं आपको चार नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ, जिसे आप गौर से देखें और समझें। चलिए देखें, यहाँ चार का पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। चार नंबर में कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो, किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करें। देखिए, रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, यानी समीकरण एक और दो हम बनाएंगे। उसके बाद कह रहा है उनका अस्तित्व हो, यानी अद्वितीय हल, जो कि हम चेक करेंगे, a1/a2 does not equal to b1/b2 होता था। अगर ऐसा हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करें, और हम आपको तीन बीजगणितीय विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वजगुणन विधि, आलेखीय विधि बताए हैं। आपकी मर्जी, आप किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, 1180 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन में तो एक क्वेश्चन है, लेकिन दो कथन है। एक कथन तो मेरा यहाँ, जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, तो 1000 रुपये उसे छात्रावास यानी हॉस्टल को अदा करना पड़ता है। तो मेरा तो यहाँ से यहाँ तक एक हुआ कथन, और दूसरा कथन क्या है, वही फिर एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, 1180 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। ये मेरा कथन दो हो गया। अब देखिए, अब यहाँ दो तरह का खर्च है, एक नियत खर्च और एक प्रतिदिन खर्च। तो अब तो हमें सबसे पहले नियत व्यय और प्रतिदिन खर्च समझना होगा। तो इसके लिए मान लीजिए वो एक हॉस्टल है, और हॉस्टल स्कूल दोनों एक ही में है, तो उसमें जो बच्चा रह रहा है, वो जो स्कूल का खर्च दे रहा है, वो नियत खर्च हुआ, और हॉस्टल खर्च यानी प्रतिदिन भोजन के लिए जो हॉस्टल को खर्च दे रहा है, वो मेरा हुआ प्रतिदिन खर्च। यानी नियत खर्च हुआ उसका, नियत व्यय उसका फी जो कि वो स्कूल को दे रहा है, और हॉस्टल खर्च जो कि वो प्रतिदिन दे रहा है। तो मेरा नियत खर्च हुआ स्कूल का फी, और हॉस्टल खर्च हुआ प्रतिदिन का। और मान लीजिए उसी स्कूल में कोई बाहर से आया लड़का पढ़ने के लिए, तो वो सिर्फ स्कूल का फी देगा, यानी वो नियत फी देगा ना, नियत व्यय देगा, वो यहाँ प्रतिदिन खर्च नहीं देगा। जो बाहर से लड़का आ रहा है, वो सिर्फ नियत खर्च यानी स्कूल फी देगा, क्योंकि वो तो डेली आ रहा है ना स्कूल, तो वो तो जाहिर सा बात है अपने घर से भोजन करके ही आ रहा होगा, तो इसलिए उसे सिर्फ स्कूल का फी देना होगा, जो कि नियत व्यय है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, दो तरह का व्यय था, एक नियत व्यय और एक प्रतिदिन व्यय। तो अब हम लिखेंगे यहाँ, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं, पहले माना कि मासिक व्यय का नियत भाग जो कि हम मान लेते हैं 100 रुपया, और एक है प्रतिदिन भोजन का खर्च, तथा प्रतिदिन भोजन खर्च। जो कि हम मान लेते हैं y रुपया,
अब देखिए प्रश्न के प्रथम कथन से क्या कह रहे हैं, पहले लिख लेते हैं, प्रश्न के प्रथम कथन से अस्पष्ट है। प्रश्न के प्रथम कथन से अस्पष्ट है कि, तो देखिए प्रश्न के प्रथम कथन से क्या अस्पष्ट हो रहा है मेरा, तो जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, तो यहाँ समझने वाली बात है, ये जो 1000 रुपया छात्रावास के लिए अदा कर रहा है तो इसमें इसका नियत व्यय भी है और प्रतिदिन जो हॉस्टल का भोजन का खर्च है वो भी है, क्योंकि ये तो हॉस्टल स्कूल दोनों में रह रहा है। तो यहाँ इस कथन, ये पहला जो कथन है इसको हम लिखेंगे ए विद्यार्थी द्वारा, ए विद्यार्थी द्वारा कितने दिन के लिए, तो 20 दिन के लिए, तो ए विद्यार्थी द्वारा 20 दिन के लिए, 20 दिन के लिए दी गई राशि, दी गई राशि, तो ए विद्यार्थी द्वारा 20 दिन के लिए दी गई राशि मेरा कितना है, 1000 रुपया, 1000 रुपया। तो इसमें देखिए ए विद्यार्थी द्वारा 20 दिन के लिए जो 1000 राशि दी गई है उसमें मेरा एक नियत राशि भी है, तो लिखेंगे या नियत राशि प्लस 20 गुने, तो इसमें एक और नियत राशि भी दिया गया है और प्रतिदिन का जो है खर्च वो भी दिया गया है प्रतिदिन, तो लिखेंगे नियत राशि गुण प्लस 20 गुने प्रतिदिन भोजन खर्च, प्रतिदिन भोजन खर्च, भोजन का खर्च बराबर 1000 रुपया। अब इसको लिख सकते हैं हम, या तो नियत राशि मेरा कितना है यहाँ, तो x जो कि माने थे x प्लस, अब देखिए 20 गुने प्रतिदिन भोजन का खर्च, तो 20 गुने प्रतिदिन भोजन खर्च जो कि माने है y बराबर हो जाएगा मेरा। चलिए तो यहाँ देखिए ये तो x हो गया, 20 गुने y यानी 20y या बराबर 1000, इसी को अब हम यहाँ क्या करेंगे समीकरण एक बना लेंगे, लिखेंगे x प्लस 20y बराबर 1000, ये मेरा क्या हो गया समीकरण एक। अब देखिए अब समीकरण दो हल करते हैं, दूसरा कथन देखते हैं क्या है, तो देखिए अब दूसरा कथन है मेरा, यहां से एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है 1180 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, इसमें नियत व्यय भी है और प्रतिदिन व्यय भी है, जो विद्यार्थी 1180 रुपया देता है अदा करता है, तो लिखिए तथा प्रश्न के दूसरे कथन से स्पष्ट है कि, तथा प्रश्न के बी विद्यार्थी द्वारा कितने दिन के लिए, तो देखिए 26 दिन के लिए, तो बी विद्यार्थी द्वारा 26 दिन के लिए दी गई राशि, तो 26 दिन के लिए जो राशि दी गई वो मेरा कितना है 1180 रुपया।
अब देखिए क्या है। तो बी विद्यार्थी द्वारा 26 दिन के लिए दी गई राशि 1180 रुपया, जिसमें कि मेरा नियत पे और प्रतिदिन भोजन का खर्च भी है, तो इसको लिखेंगे या नियत राशि, नियत राशि प्लस 26 गुने प्रतिदिन भोजन का खर्च, प्रतिदिन भोजन का खर्च। बराबर जो कि है मेरा 1180 रुपया। अब देखिए क्या हो जाएगा, या नियत राशि यानी x प्लस 26 प्रतिदिन भोजन का खर्च जो कि हम माने हैं y, तो 26 × y यानी 26y हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं x प्लस 26y बराबर 1180। ये क्या हो गया समीकरण दो, मेरा समीकरण एक और दो बन गया। अब इसका अस्तित्व देखना है, तो देखिए यहाँ हमें देखिए समीकरण एक और दो बन गया, अब हमें इसका अस्तित्व देखना है। तो अस्तित्व चेक करने, अस्तित्व देखने के लिए हमें इस समीकरण की तुलना करना होगा। तो लिखते हैं समीकरण एक तथा, समीकरण एक तथा समीकरण दो की तुलना a1x plus b1y बराबर c1 तथा a2x plus b2y बराबर c2 से करने पर, तो जब हम समीकरण एक और दो की तुलना इससे करेंगे तो मेरा यहाँ a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 क्या होगा देखते हैं। करने पर लिखेंगे यहाँ a1/a2 बराबर, तो समीकरण एक को अगर हम देखते हैं यहाँ है तो मेरा a1 क्या है x, यानी यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, तो एक। अब a2 की बारी, तो समीकरण दो को देखते हैं तो यहाँ x है तो इसकी जगह यहाँ क्या है कुछ नहीं है तो एक, तो 1/1 कॉमा b1/b2। तो चलिए अब b1/b2 को देखते हैं, तो समीकरण एक में b1 जो कि 20 है और समीकरण दो में b2 जो कि 26 है, तो चलिए इसे हम कट नहीं करते हैं ऐसे ही देखते हैं, तथा सॉरी पहले हम इसको कटा ही लेते हैं। तो देखिए 20 कटेगा आपका 2 से 10 बाद में और 26 13 बाद में, तो ये होगा मेरा 10/13 तथा अब निकालना है c1/c2। तो c1 देखना है, c1 है 1000 और c2 1180, 1000 1180। तो देखिए अब ये किससे कटेगा, तो ये तो मेरा अगर देखिए 0 से 0 ये कट कर दिए और 2 से ये 100 कटा 50 बार में और 118 59 बार, तो यहाँ लिख देंगे 50/59। अब देखिए अब यहाँ हम देखेंगे जो इसका अस्तित्व कैसा हो रहा है, तो लिखेंगे यहाँ देखने के बाद ही a1/a2 का मान है 1/1, b1/b2 का मान है 10/13, c1/c2 का मान है 50/59। अब देखिए यहाँ जो है मेरा a1/a2 b1/b2 के बराबर है, देखने से नहीं लग रहा है जो बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए a1/a2 does not equal to b1/b2, और ऐसा जब हो गया तो इसका अस्तित्व है, इसका हल अद्वितीय होगा। देखिए यहाँ लिखे अर्थात है a1/a2 does not equal to b1/b2, तो जब ऐसा होता था तो शर्त होता था इसका हल अद्वितीय होता था, तो लिखते हैं इसलिए दिए गए समीकरण निकाय का, समीकरण निकाय का अस्तित्व है, निकाय का अस्तित्व होगा क्योंकि इसका अद्वितीय हल है,
दिए गए समीकरण निकाय का अस्तित्व होगा क्योंकि इसका अद्वितीय हल, हल अद्वितीय है, हल अद्वितीय है। जब ऐसा हो गया तब हमें क्या करना है? अब तो अब जो समीकरण एक और दो है जब अस्तित्व हो गया तो कह रहा है किसी भी विधि द्वारा, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्गुणन विधि, आलेखीय विधि, किसी भी द्वारा हम इस दोनों समीकरण को हल करके एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम यहाँ विलोपन विधि द्वारा हल करके देखते हैं। तो समीकरण एक और दो को देखिए, तो यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यानी इसका जो एक्स चर एक्स वाला गुणांक है दोनों का बराबर है। तो यहाँ हमें लघुत्तम लेने की आवश्यकता है नहीं इसे बराबर करने के लिए। और चिन्ह देख लीजिए, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो हम क्या करेंगे जब एक समान चिन्ह रहता है तो समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर। तो यहाँ वाई चर वाई वाले गुणांक को बराबर करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक्स वाला जो मेरा गुणांक है यहाँ देखिए बराबर है। तो लिखते हैं समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर तो चलिए समीकरण एक देखते हैं क्या है। एक्स प्लस बीस वाई बराबर 1000, एक्स प्लस बीस वाई बराबर 1000। समीकरण दो अब मेरा क्या है, तो एक्स प्लस 26y बराबर 1180, एक्स प्लस 26y बराबर 1180। तो देखिए जब समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाते हैं तो चिन्ह जो होता है घटाने पे बदल जाता है, यानी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो यहां देखिए यहां होगा मेरा माइनस, प्लस है इसलिए यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब देखिए प्लस माइनस ये कैंसिल, और ये जो 26 है एक ही अंक है, इस पे दो चिन्ह है प्लस और माइनस का। तो हम आपको पहले भी बताए हैं जो ऊपर वाला जो चिन्ह होता है वो अमान्य हो जाता है, उसका वैल्यू खत्म हो जाता है, नीचे वाला मान्य रखता है। तो प्लस माइनस माइनस, तो 26 में से 20 गया तो 6, किसका वैल्यू ज्यादा? माइनस वाले का। तो ये हो जाएगा माइनस 6y, माइनस 6y बराबर। अब देखिए अब यहाँ भी प्लस माइनस, तो ऊपर वाला अमान्य हो गया, तो प्लस माइनस माइनस 1180 में से 1000 गया तो 180, किसका चिन्ह ज्यादा है? माइनस वाले का। तो लिखेंगे माइनस 180। अब देखिए अब क्या लिखेंगे, या y बराबर माइनस 180 बाई माइनस 6, माइनस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 6 से 180 30 बार में, तो यहां लिखेंगे y बराबर 30, y बराबर कितना लिखेंगे 30। अब लिखेंगे y का मान, समीकरण एक या दो में रखते हैं, x का मान निकल जाएगा, तो लिखते हैं y का मान समीकरण एक में रखने पर, y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो देखिए y के मान को समीकरण एक में रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, x प्लस, क्योंकि समीकरण यहां। अब देखिए 20y यानी 20 गुने y का जो वैल्यू आया है 30, 20 गुने 30 बराबर कितना है 1000, बराबर 1000। तो ये हो जाएगा या x प्लस, अब 20 से 30 में गुना करेंगे तो 600, 20 x प्लस 600 बराबर 1000। अब लिखेंगे या x बराबर 1000, ये बराबर के बाईं ओर प्लस में है 600, बराबर के दाईं ओर आएगा तो माइनस में, तो माइनस 600। तो मेरा या x बराबर क्या आ गया,
1000 में से 600 गया तो 400। तो देखिए यहाँ x और y दोनों निकल गया, तो अब लिखेंगे अतः मासिक, जो कि माने थे मासिक व्यय का नियत भाग बराबर 100 रुपया बराबर 400 रुपया। लिखेंगे अतः मासिक व्यय का नियत भाग बराबर 100 रुपया बराबर कितना 400 रुपया। तथा प्रतिदिन भोजन खर्च, तथा प्रतिदिन, तथा प्रतिदिन का भोजन खर्च बराबर माने थे y रुपया, जो कि आया मेरा 30 रुपया। तो मेरा ये अब क्वेश्चन सॉल्व हुआ, यही आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ जो 4 नंबर का पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका कुछ टाइप्स और आंसर लिख दे रही हूँ, जिसे आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। चलिए यहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन का पहला का टाइप ए देखते हैं। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 15 दिन भोजन करता है 950 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 20 दिन भोजन करता है 1200 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा मासिक व्यय का नियत भाग x बराबर 200 रुपया तथा प्रतिदिन भोजन का खर्च y बराबर 50 रुपया। चलिए अब टाइप बी देखते हैं। देखिए पहला का टाइप बी, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 12 दिन भोजन करता है 970 रुपया छात्रावास